अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं, आज ये एक प्रूफ मैं आपको करवाऊंगी। लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर x माइनस ए हमने प्रूफ करना है इक्वल टू n ए एन माइनस वन वेयर n इज एन इंटीजर। एन इंटीजर का मतलब है कि मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। सो वी शैल डिस्कस टू केसेस। फर्स्ट केस इज सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर। लिमिट x टेंड्स टू a जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर भी जीरो आंसर आता है और नीचे भी। ए एन माइनस ए एन ओवर ए माइनस ए विल गिव यू जीरो बाय जीरो फॉर्म। ऐसी सूरत हाल में हमने करना क्या होता है कि हमने इस दी हुई फ्रैक्शन को या एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है जैसे भी पॉसिबल हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे, बिल्कुल जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखते हैं और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को हम एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर लिखते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो एक्स एन माइनस ए एन के फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर एक्स एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन। नीचे एक्स माइनस ए है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास ये जो फैक्टर बचेगा इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे अलग अलग से। और इन तमाम टर्म्स को लिमिट पुट करने के बाद चूँकि हर जगह पे ए होगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और फिर हमारे पास लास्टली ये वाला जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें ए एन माइनस वन एन टाइम्स ऐड हो रहे हैं। अगर हम टू को थ्री टाइम्स ऐड करें या टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मतलब एक ही होता है, इसलिए ए एन माइनस वन को एन टाइम्स ऐड करें या इसको एन से मल्टीप्लाई कर दें इसका मतलब एक ही है। Therefore, answer of this expression will be equal to n a n minus 1. तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूव कर दिया लिमिट x tends to a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस वन वेन एन इज पॉजिटिव। अब हमने केस टू इसका देखना है वेन एन इज नेगेटिव। तो एन की जगह हम एक नेगेटिव इंटीजर पुट करेंगे माइनस एम और ये उस वक्त तक नेगेटिव होगा जब तक एम की जगह हम पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे, देयर एम इज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जहाँ जहाँ एन है वहाँ माइनस एम पुट कर देंगे। माइनस एम पुट किया तो अब नेगेटिव पावर्स वाले दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे विच इज़ एक्स एम ए एम, ऊपर आ जाएगा ए एम माइनस एक्स एम। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ए एम माइनस एक्स एम को एक्स एम माइनस ए एम कर देंगे जिसकी वजह से माइनस वन निकल आएगा बाहर। अब ये दो अलग अलग हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों की अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ईयर लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। जब हमने राइट हैंड साइड पे लिमिट पुट की तो माइनस वन ओवर एक्स एम ए एम की जगह ए एम आ गया और इधर एम ए एम माइनस वन हमने लगाना है किसकी जगह पे, जहाँ एक्स एम माइनस ए एम, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए, ये एक्सप्रेशन था। तो चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये प्रूफ कर चुके हैं रिजल्ट के लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन व्हेन एन इज पॉजिटिव। यहाँ चूंकि एम पॉजिटिव है इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू एम ए एम माइनस वन, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एम ए एम माइनस वन। अब हम इस पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, ये नीचे जो ए की पावर टू एम है इसको ऊपर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगी और ये इसकी पावर्स जो हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी, माइनस वन ए माइनस वन माइनस एम। माइनस एम की जगह हम अगर n दोबारा पुट कर दें तो हमारे पास आता है n a n माइनस वन। सो वी हैव प्रूव दिस फार्मूला फॉर n पॉजिटिव एंड n नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रूफ है
लिमिट x टेंड्स टू जीरो x प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए बाय x इक्वल टू वन ओवर टू अंडर रूट ए। तो इसमें भी अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जब x टेंड्स टू जीरो पुट करते हैं a से a कैंसिल हो जाता है और नीचे भी जीरो है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म है। इसका मतलब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे हम स्क्वेयर रूट है, बीच में नेगेटिव है, इसको न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को विद पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर ऊपर अगर आप देखें तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर x इंटू एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, ए और माइनस ए कैंसिल होंगे, एक्स ओवर एक्स, एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए, ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास। अब इसमें हम एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, जिसको एड अप करेंगे तो हमारे पास आता है वन बाय टू अंडर रूट ए, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करती। इस तरह से हमारा दूसरा प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। आइए सेकंड ईयर, अब हम इन प्रूफ की तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके कल, आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। इसका मतलब है कि अगर फैक्टर बनते हैं फैक्टर बनाएं, और अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करें और उसके बाद सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म में है। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन जब हम इसमें पुट करेंगे, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ऊपर भी जीरो, माइनस वन प्लस वन, नीचे भी जीरो आता है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट पुट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में नज़र आ रहा है ऊपर हमारे पास एक्स कॉमन है, हम x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन के फैक्टर बनाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले रूल से, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी x माइनस वन एक्स प्लस वन, नीचे x प्लस वन है, दो फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो ऊपर बाकी बचेगा उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। सॉरी, लिमिट पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 2 आता है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसमें भी जब आप 2 पुट करते हो ऊपर भी आंसर 0 आता है और नीचे भी 0 आता है। हम क्या करेंगे, नीचे भी फैक्टराइजेशन करेंगे और ऊपर भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से इसको खोला, इसके पेयर बनाए, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन लिया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से खोला, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो आप देखें ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, जो बाकी बचे हैं अब इसमें ऊपर अलग लिमिट पुट करेंगे, नीचे अलग लिमिट पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 12/5 है। ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है फिर लिमिट पुट करें। नेक्स्ट पार्ट 7 हम करेंगे, बीच वाले पार्ट्स जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोग खुद से कर सकते हो और उनको कोशिश करो करने की। अब आप देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी अभी जो मैंने आपको प्रूफ करवाया है उसको अगर जहन में लाएं, ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, इसके न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। न्यूमिनेटर को रेशनलाइज किया, ये माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया और नीचे वाली एज इट इज आ गई वैल्यूज। ए स्केयर माइनस बी स्केयर को जब सॉल्व किया, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू बचा जो नीचे वाले फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 बचता है, जिसमें हम लिमिट 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है। बिल्कुल ये उस प्रूफ के पैटर्न पे है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, ये भी प्रूफ के पैटर्न पे होगा। लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स एम माइनस ए एन, इसको हमने सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करें।
हमने सबसे पहले क्या करना है, x माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। एक्चुअली हम वो फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं ऊपर भी और नीचे भी, जो था लिमिट x टेंड्स टू ax n माइनस ए एन ओवर x माइनस ए फॉर ऑल इंटीजर्स n। अब हमने स्टार्ट में ही x माइनस ए ओवर x माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी ज़रूरत के तहत किया है। अब ये जो डिवीजन में आया हुआ x माइनस ए, ये एक्स एन माइनस ए एन के नीचे आ जाएगा और जो ऊपर है वो एक्स एम माइनस ए एम के नीचे आ सकता है बाय रूल्स। तो अब ये हमारे पास एक अलग फार्मूला बन गया, ये अलग फार्मूला बन गया, ठीक है। दोनों की अलग अलग लिमिट लेंगे, इसमें हमारे पास n है और इसमें हमारे पास m है, तो आंसर भी दोनों के अपने अपने उसके हिसाब से ही आएंगे। जो लिमिट x टेंड्स टू ax n माइनस ए एन ओवर x माइनस ए, इसका आंसर आएगा n a n माइनस वन, और जो लिमिट x टेंड्स टू ax m माइनस ए एम ओवर x माइनस ए है, उसका आंसर आएगा m a m माइनस वन। फर्ज करें अगर यहाँ पे l होता है, एक्स एल माइनस ए एल ओवर x माइनस ए, तो आंसर आता है l a l माइनस वन। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो आंसर आया, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, n बाय m ए एन माइनस वन, इसको भी ऊपर ले आएंगे, माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, उसके बाद एक ही सारी पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा एन बाय एम ए एन माइनस एम। इस तरह से सेकंड ईयर हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है विद टू प्रूफ्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से जिस क्वेश्चन में जिस प्रूफ का इस्तेमाल होना होगा वो प्रूफ मैं साथ साथ करवाती जाऊंगी। इसी तरह जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो हमारे प्रूफ्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हर हवाले से।